नमस्कार। तो मेरा नाम है वंश शर्मा और मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ देश दुनिया पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में, जो कि है भाई अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार ने आज कुछ ऐसा पोस्ट करा, हमारे सांसद ने 75 वर्षों में जो गौरवशाली इतिहास और विरासत देखी है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बात करते हुए सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। क्या यात्रा है और क्या अद्भुत पड़ाव है। तो ऐसे अक्षय कुमार पोस्ट करते हैं, उसके साथ एंड वीडियो भी शेयर करते हैं। एंड जिसके रिप्लाई में भाई कमेंट्स में उन्होंने भाई ट्रोल करते हुए ऐसा लिखा, आपने सुना भी पूरा, ऐसे नहीं चलेगी सर आपकी मूवी, नंदन पर ट्वीट करो आप। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, भाई रिपोर्टर सुशांत सिन्हा के बारे में। तो रिपोर्टर सुशांत सिन्हा ने कुछ ऐसा लिखा, वैसे शायद विपक्ष ये समझ पाएगा कि पीएम मोदी आज ही सरल मैसेज देकर गए हैं कि जब मौका देश से जुड़ा हो तो पॉलिटिक्स साइड रख देनी चाहिए, लेकिन G20 को या सर्जिकल स्ट्राइक या चंद्रयान अनगिनत मौकों पर देश के घरों के पलों पर भी मोदी विरोध से ज्यादा ना सोच पाने वाला विपक्ष, आप लिख कर रख लीजिए कि नई संसद में भी वही पुराना एटीट्यूड लेकर जाएगा और वही पुराना रिजल्ट पाएगा। तो सुशांत सिन्हा ने ऐसा लिखा। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई पवन खेड़ा के बारे में। तो पवन खेड़ा ने आज एक ट्वीट करते हुए एक पोस्ट शेयर करा, भाई आप एक इमेज भी देख रहे होंगे। सबसे पहले तो पोस्ट पढ़ते हैं। कांग्रेस के 115 राष्ट्रीय नेता कल रात से ही तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गए। आज पूरे दिन डोर टू डोर प्रचार, कार्यकर्ता बैठक व प्रेस वार्ता आदि के माध्यम से 6 गारंटियों को प्रचारित करेंगे। एंड उसी के साथ उन्होंने एक जो पोस्ट शेयर करा, इस इमेज में आप देख सकते हैं महालक्ष्मी योजना, रईतु भरोसा योजना हो सकती है भाई, गृह ज्योति, इंद्रामु इंदियु, युवा विक्षम, एंड अगली भाई चयू था। एंड अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि भाई बीजेपी इंडिया के बारे में। तो बीजेपी कुछ यह पोस्ट करती है, मोदी जी का आभार, कोई भूखा न सोपाए का सपना हो रहा है साकार, वन मैन वन मिशन का अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए मोदी जी ने 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन देते हुए पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करी। एंड नीचे उन्होंने एक इमेज शेयर करा। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि है भाई रवीश कुमार के बारे में। तो रिपोर्टर रवीश कुमार ने द हिंदू का एक आर्टिकल शेयर करते हुए हमें यह दिखाया, हैशटैग मणिपुर में छुट्टी पर आए भारतीय सेना के एक जवान का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। एक रक्षा सूत्र ने कहा कि 41 वर्षीय सर्टो थोंगथोंग कोम का सब इम्फाल पूर्व में सोगोल मांग पुलिस स्टेशन के तहत मोंगजम के पूर्व खुनिंग थे गांव में मिला था। एंड इसके बाद भाई रवीश कुमार ने इस आर्टिकल पर ऐसा कहा, फिर भी प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, न उनकी दोनों सरकारें शांति स्थापित कर पा रही है, आज संसद में कुछ और दिखेगा, इमारतों का जश्न और तालियों की ताकत, काश जमीन पर भी इनका असर होता। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। कल तो इंडिया ने एशिया कप जीता है, जिसके ऊपर भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा लिखा, एशिया कप 2023 जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई, मोहम्मद सिराज ने क्या गेंदबाजी प्रदर्शन किया, वास्तव में भारतीय क्रिकेट के लिए एक महान दिन, अब विश्व कप का समय है। एंड आज लाइव ला ने कुछ ऐसा पोस्ट करा, CJIDY चंचूर ने वकीलों को हड़ताल करने और अदालतों का बहिष्कार करने के प्रति आग्रह किया। उनका कहना है कि बार और बेंच के बीच चर्चा और सहयोग से मुद्दों को हमेशा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। तो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर जरूर कर देना।